हेलो दोस्तों, आयरज की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। आज हम बनाएंगे कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का चीला। तो चलिए बनाते हैं चीला। चीले के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा और आधा कटोरी कुट्टू का आटा। आधा खीरा लिया है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच देसी घी और पानी। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम आटा डालेंगे। ये मैंने आधा आधा कुट्टू का आटा लिया, आधा सिंघाड़े का आटा लिया है, क्योंकि कुट्टू का आटा गर्म होता है और सिंघाड़े का आटा ठंडा, तो दोनों बैलेंसिंग हो जाते हैं। उसके बाद मैंने खीरा लिया है, अब इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। जैसे चीले का घोल होता है उसी तरह इसको भी बनाना है। ये हमारा बिल्कुल घोल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एक ग्लास पानी लग चुका है। बिल्कुल चीले के घोल की तरह हमारा घोल तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारा घोल तैयार हो चुका है, अब इसके हम चीले बनाएंगे। तो चलिए, हमने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, आप चाहे तो लोहे के तवे भी बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा घी डालेंगे, क्योंकि मैं व्रत में देसी घी यूज़ करती हूँ। आप जो भी घी या तेल यूज़ करते हैं वो उससे बना सकते हैं। अब इसको एक टिश्यू की हेल्प से तवे के चारों तरफ फैला लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकाल लीजिए। अब हम अपना घोल डालेंगे, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको चलाते चलिए। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कैसे भी साइज बना सकते हैं। इसके चारों तरफ हल्का हल्का घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा घी इसके चीले के ऊपर डालेंगे, क्योंकि घी डलेगा तभी थोड़ा क्रिस्पी होगा। अब इसको हम पलटते हैं, थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसको हम पलटेंगे। चलिए, हमारा चीला सिक चुका है दोनों तरफ से, अब इसे हम सर्व करते हैं। चलिए, हमारा चीला तैयार है, बना के जरूर बताइएगा कैसा बना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।